नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ओबीसी आरक्षण पर भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा यूपीए सरकार ने नहीं दिया पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान में हुई बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हुए शामिल, विभागवार घोषणाओं की हुई समीक्षा। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसान कर्ज माफी के मसले पर सरकार फेल। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु की स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद टूटी, चीन ताइपे की खिलाड़ी ने सीधे सेटों में हराया। 1 अगस्त से 1 महीने के लिए भारत के हाथों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान रहने वाली है। भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। इस महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना की कवायद करने और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति ने 15 राष्ट्रों के शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र निकाय की भारत द्वारा अध्यक्षता संभाले जाने के पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में कहा गया कि हमारे लिए उसी माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालना विशेष सम्मान की बात है। केंद्र सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया हुआ है। मोदी सरकार के ओबीसी को आरक्षण देने के फैसले को कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने राजनीति से प्रेरित बताया है। अब बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि मोदी सरकार में पिछले 5 सालों में 169 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। असम और मिजोरम के बीच जहां सीमा विवाद को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है, वहीं असम व नागालैंड के बीच तनाव घटाने पर सहमति हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सरमा ने कहा कि असम व नागालैंड के मुख्य सचिवों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से अपने अपने सुरक्षा बल हटाने पर रजामंदी हो गई है। ये सुरक्षा बल तत्काल हटा दिए जाएंगे। सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों से अपने आधार शिविरों में लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री सरमा ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम और मिजोरम की सीमा पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसको लेकर दावा किया है कि विवादों और दंगों को इस पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है, जिसका परिणाम भयानक होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि न राष्ट्रीय सीमा सुरक्षित, न राज्य सीमा। विवादों व दंगों को हमारे देश की पवित्र भूमि में बीज की तरह बोया जा रहा है, इसका परिणाम भयानक है और होगा। जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रध्वज साहू ने ये बैठक ली। बैठक में सांसद अमर सिंह गहलोत भी मौजूद थे। इस बैठक में सभी मंत्रियों ने विभाग पर प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से चुनाव में जनता से किए गए वादों में कितने पूरे हुए उनको लेकर समीक्षा की गई। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन ताम्रध्वज साहू, राजस्थान सरकार ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर कितना काम किया है, इसका रिव्यू लेकर आलाकमान को रिपोर्ट देंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व सीएम सुखाड़िया को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र में किए वादों में से 52% काम 2 साल में पूरे कर चुकी है। इसी कड़ी में अब 6 महीने समय और बीत गए हैं, तो 2.5 साल में जो काम मैनिफेस्टो में शामिल थे उनमें से कौन से काम प्रोग्रेस में हैं और किस में गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं और कौन से काम बाकी रह गए हैं उन्हें पूरा करना होगा। डोटासरा ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली बार किसी भी सरकार ने 2 साल में ही अपने घोषणा पत्र का हिसाब दिया, जबकि कई सरकारें 5 साल में भी हिसाब नहीं देती हैं। राजस्थान महिला मोर्चा की कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महिला मोर्चा पदाधिकारियों को बधाई दी। पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई मजबूती से लड़ी। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसान कर्ज माफी के मसले पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
चलिए बात करते हैं जयपुर एयरपोर्ट की। तो जयपुर एयरपोर्ट जल्द ही निजी हाथों में जाने वाला है। अडानी इंटरप्राइजेस जल्द ही जयपुर एयरपोर्ट की संचालन व्यवस्था अपने हाथ में लेने वाली है। इस नई व्यवस्था के साथ पैसेंजर को एयरपोर्ट पर सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसमें पार्किंग शुल्क से लेकर यूजर डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी हो सकती है। जयपुर एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 12 अक्टूबर से एयरपोर्ट का संचालन अडानी इंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। रेनवल इलाके में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से बाइक सवार को रेनवल CHC में पहुंचाया गया, जहां घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद रेनवल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर जगदीश निवासी धोलिया का बास थाना रेनवल के रूप में शिनाख्त की। कुछ समय पूर्व तक सूखे की मार झेल रहे डीडवाना में अब बारिश आफत बनकर बरसी है। पिछले 15 घंटों में ही शहर में 158 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वर्षा के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव हो गया है। वहीं तहसील के अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। डीडवाना के कुंजड़पाड़ा क्षेत्र में एक मकान ढह गया है। वहीं त्रिपोलिया बाजार की छत एक कार पर गिर गई। इसके अलावा मुख्य बाजार में एक पुरानी दुकान गिर गई। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों और गाँव का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को पानी निकासी का प्रबंधन करने, बचाव व राहत के कार्यों के लिए अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। दादारामगढ़ में मॉनसून की पहली बारिश से कई जगह पर पानी भर गया। ग्राम पंचायत पचार के वार्ड नंबर 14 में बारिश का पानी घरों में भर गया। मौसम विभाग ने शेखावटी क्षेत्र सहित प्रदेश में भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया था। गांव वालों का कहना है कि हर बार पंचायत प्रशासन को पानी निकासी के लिए कहा जाता है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पचार गाँव के बाजार में पानी भर जाने से दुकानदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बात टोक्यो ओलंपिक की करें तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका लगा है। चीनी ताइपे की वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू यिंग ने वर्ल्ड नंबर 7 पीवी सिंधु को 21-18, 21-12 से हरा दिया। पहले गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि दूसरे गेम में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ने एक तरफा अंदाज में जीत हासिल की। अब सिंधु रविवार को ब्रॉन्ज मेडल के लिए भिड़ेंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।